गुडविल। गुडविल क्या होती है? आपने कई बार देखा होगा बहुत सारे बिजनेस का बहुत ज्यादा नाम है, बहुत ज्यादा रुतबा है और उस बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। और अगर आप कोई इस बिजनेस को खरीदना चाहते हो, क्या वो आपको उसी पैसों में दे देगा जिस पैसों में वो कमा रहे हैं? तो गुडविल आज बनने वाले है पूरा पूरा ट्रीटमेंट। अगर आपको भी कोई भी कंफ्यूजन है इस टॉपिक के रिलेटेड, तो जैसे ही आप इस वीडियो को पूरी देखोगे आपको सारे के सारे क्लैरिटी इस टॉपिक से रिलेटेड हो जाएगी। चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। अक्सर हम बहुत सारे बिजनेस को देखते हैं कि बिजनेस के पास बहुत सारे ओल्ड कस्टमर आ जाते हैं और वो कस्टमर बेस बन जाता है इतना ज़्यादा कि वो बहुत सारे बिजनेस काम कर रहे हैं, काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। तो बिजनेस के पास जो पुराने कस्टमर हैं वो पुराने कस्टमर इनके पास बंद रहते हैं और जिसके वजह से वो आराम से सेलिंग करते रहते हैं। और आगे जाके यही ओल्ड कस्टमर जब बनते रहते हैं और सेलिंग होती रहती है और पूरा बिजनेस चलता रहता है, तो मार्केट में उनकी रेपुटेशन होती रहती है। रेपुटेशन बहुत जगह से आती है, जैसे कि या तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हमारी बहुत अच्छा क्वालिटी है। कई बार देखोगे जैसे कि कोई आइसक्रीम दुकान है, कोई भी ऐसी दुकान है, कोई रेडी वाला भी है, एक क्वालिटी प्रोडक्ट ऐसे दे रहा है कि आपकी उसमें खा के मजा आता है। तो ऐसे अगर क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा है तो उसकी वजह से उनकी रेपुटेशन बढ़ती है मार्केट में, उनकी बहुत अच्छा नाम है, फेम है। उनकी सर्विस की वजह से हो सकता है वो बहुत सस्ता प्रोडक्ट देते हो सकता है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनाते हो। ऐसे कई सारे रीज़न है जिनकी वजह से उनकी रेपुटेशन क्रिएट होती है। और उसकी वजह से वो फर्म अगर कोई प्रॉफिट कमाती है तो ज़्यादा कमा पाती है, क्योंकि अगर आपकी कोई फर्म में कोई कस्टमर बार बार, एक कस्टमर आया और बार बार नहीं आ रहा वो बोला, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी मार्केट में ज़्यादा नाम नहीं होगा और उसकी वजह से आप ज़्यादा सेल भी नहीं कर सकते और ना ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो गुडविल एक ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से एक बिजनेस, कोई भी बिजनेस फर्म बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अर्निंग करती है और वही एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स को हम बोलते हैं गुडविल। गुडविल मतलब उनका अच्छा नाम। किसी भी बिजनेस का एक अच्छा नाम होता है उसी को कहते हैं गुडविल। वो बहुत ज़्यादा बहुत सालों की हार्डवर्क से बनता है। बहुत पुराने जैसे कि बहुत बिजनेस होते हैं तो उनके बहुत सालों की मेहनत से एक उनका अच्छा नाम बनता है जिसकी वजह से उनके ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाते हैं। जितना प्रॉफिट हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो वो गुडविल की वैल्यू एक निकालना वैसे काफ़ी पॉसिबल चीज़ नहीं है, ये एक काफ़ी इनटेंजिबल एक एसेट बन जाता है। और एसेट बनता कैसे है, क्योंकि एक गुडविल तो बिल्कुल एक ऐसी फोर्स है जो कि हम दिखाई नहीं सकते। हमारी गुडविल कितनी है वो पता कैसे करेंगे? तो ऐसे कई सारी चीज़ें होती है। गुडविल कैसे हम पता करते हैं और कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक दो पर्सन है, मोहन और सोहन, दोनों के बीच में डील हुई। मोहन कह रहा है कि देखो मेरे पे बिजनेस है, पूरा पहले से चला चला है बिजनेस है जिसका काफ़ी लार्ज कस्टमर बेस है। और आप अगर, सोहन कह रहे हैं कि मैं आपका बिजनेस खरीदना चाहता हूँ। मोहन कह रहे हैं कि आप खरीद लो, क्योंकि लेकिन हमारा मार्ज बहुत ज़्यादा, कस्टमर बेस काफ़ी अच्छा खासा है और हमारा बिल्कुल चला चला बिजनेस है, आप जैसे ही खरीदोगे आप वैसे ही आपका माल बिकने लग जाएगा। सोहन कह रहा है बढ़िया है, फिर आप दे दो मेरे को। सोहन कह रहे हैं कि आपका जो रेट है मार्केट में 5 लाख का लगभग, आपका एसेट्स लाइबिलिटी मिला के सब चीज़ें मिला के 5 लाख बैठ रहे हैं, मुझे देना पड़ेगा। लेकिन मोहन कह रहे हैं नहीं, मैं आपको 5 लाख नहीं दूंगा, मैं आपसे 5 लाख नहीं बल्कि मुझे आपसे 7 लाख की ज़रूरत है, 7 लाख। सोहन कह रहे ऐसा क्यों? सोहन कह रहा है ऐसा क्यों? मोहन कह रहे हैं देखो हमारा कस्टमर बेस काफ़ी अच्छा खासा है, लार्ज कस्टमर बेस है, तो हम ऐसे में क्यों आपको दे दे चला चला बिजनेस और आप उससे फ़ायदा भी उठा लोगे। सोहन कह रहे हैं बात तो ठीक है, कोई चला चला बिजनेस है, इसलिए वो कह रहा है कि हम आपको एक्स्ट्रा आपसे कुछ, आपसे प्रॉफिट लेंगे और एक्स्ट्रा आपसे पैसा लेंगे, वही एक्स्ट्रा पैसा हमें उस नाम के लिए है क्योंकि हमारा जो बिजनेस का नाम चलाना है और इसीलिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तो इसलिए वो एक्स्ट्रा पैसा दे देगा सोहन, क्योंकि और उसी बिजनेस से वो चला देगा। और अपनी सोहन सोहन जब बिजनेस पूरा खरीद लेगा और अपनी बैलेंस शीट में वो पूरा का पूरा जब शो करेगा, सारे सारे एसेट जब खरीदेगा उनसे, साथ में शो करेगा गुडविल। गुडविल वहां भी शो करेगा, इसीलिए ये एक इनटेंजिबल एसेट बन जाता है जिसे हम देखे देख तो नहीं सकते, ना ही से सोच सकते हैं, लेकिन ये हमारा एसेट है जो कि हमें फायदा दे रहा है बहुत ज्यादा बिजनेस को। तो ये गुडविल होती है हमारी इनटेंजिबल एसेट। 5 लाख खरीदे थे, 5 लाख की खरीदी लेकिन 7 लाख की खरीदी है गुडविल। वैसे इनटेंजिबल एसेट तो होता है, लेकिन कभी कभार हमने कोई बिजनेस खरीद लिया लेकिन उसके बाद हम भी तो फिर बिजनेस चलाएंगे, उसके बाद हम भी बिजनेस चलाएंगे, हम भी अपनी मेहनत करेंगे, तो उसके बाद हमारी भी गुडविल जनरेट होती है। तो एक होती है हमारी परचेज गुडविल जो कि हमने यहाँ समझा, एक होती है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो कि आप खुद कमाते हो और वो कभी भी बैलेंस शीट में नहीं लिख पाते क्योंकि वो कभी भी कैलकुलेट ऐसे होती ही नहीं है।
जब कोई बिजनेस बेचा जाता है तभी कैलकुलेट होती है, या फिर जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, यानी कि कोई पार्टनरशिप है और पार्टनरशिप बिल्कुल एग्रीमेंट ही बदल रहा है, तो वहां पर गुडविल कैलकुलेट करी जाती है, ताकि हमें पता चले कि फ्यूचर में कितना प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। ठीक है, तो गुडविल एक ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से हम काफी चीजें कर सकते हैं। तो गुडविल आपको, मुझे लगता है कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ऐसे ही, अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना, और कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी, कोई भी डाउट है कोई भी कमेंट बताना, और शेयर कर दो उन लोगों के साथ जिनको लोगों को दिक्कत आती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।